राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू। 181 सीएम हेल्पलाइन शिकायत जमीनी स्तर पर कोरी साबित दिखाई दे रही है। सिंगरौली जिले में रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है, जिसका विरोध लगातार ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए शिकायतकर्ता आशीष गुप्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम रेही पोस्ट करथुआ में लगातार हो रहे अवैध रेत खनन की शिकायत 181 में कई बार किया। 3 महीने बीत गए हैं शिकायत किए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। कोई प्रशासनिक आश्वासन आज तक नहीं मिला है और लगातार अवैध उत्खनन का कार्य जारी है। शासन प्रशासन से अनुरोध है तत्काल जाँच करके कार्यवाही किया जाए। मैं आशीष गुप्ता, ग्राम करथुआ, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा रेत अवैध उत्खनन के संबंध में शिकायत की गई थी। आज 2 महीने से ऊपर हो गया 181 में, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना 181 बनाई गई जन समस्या शिकायत निवारण के लिए। इस समस्या से निवारण नहीं होता, समस्या और उलझती है, समस्या में निराकरण नहीं किया जाता है। मेरी शिकायत 100 दिन से ऊपर हो गई, इसमें आज तक कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्रवाई नहीं किए। मैं इस शिकायत की जांच की अपेक्षा में बैठा हूं, निगाह लगाए, और यहां काफ़ी मात्रा में अवैध रेत का उत्खनन हुआ है। किसी भी अधिकारी जिले से या प्रदेश से या केंद्र से कहीं से भी सर अधिकारी आकर जाँच करें, हकीकत क्या है ज़मीनी स्तर पर कोई देखने के तैयार नहीं है। पैसे के बल पर ठेकेदार जबरदस्ती या अपने गुंडागर्दी बस अवैध उत्खनन करा रहा है। लीज 4 हेक्टेयर में 10 एकड़ की जमीन पर, जिसमें कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया से अवैध उत्खनन करा रहे हैं। सिंगरौली से नीरज पाठक की रिपोर्ट।